हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। पहले वाले वीडियो में आई डिस्कस 1 to 5 क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसी तरीके से हम जो 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है वो इस वीडियोस में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला गया है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू। मतलब मेरे को ऐसे बोला गया है कि मैं कितने सिक्के मेल्ट करूँ। अब बेटा ये सिक्का है, ये क्या है, एक सिलेंडर की तरीके से है ना। जो उसकी थिकनेस है वो क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई। भाई सिक्का, तुमने 1 रुपये का सिक्का लिया तो उसकी जो थिकनेस है वो क्या हो गई, हाइट हो गई। अगर ये सिक्का थोड़ी सी हाइट बड़ी होती तो थोड़ा तुमको सिलेंडर की फॉर्म में दिखता, तो एटलीस्ट ये जो सिक्का है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। अब उसको पिघला के बताओ मैं कितने सिक्के पिघलाऊँ कि मेरे पास जो क्यूबर्ड बने वो 5.5 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर क्यूब का मेरे पास क्यूबर्ड बन जाए। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो जो भी तुम्हारे पास मेटल है, सिल्वर है, तो इन सब में जो सिल्वर लगेगा वो किसके इक्वल होगा, जो कि क्यूबॉइड से बनेगा ये सिल्वर का, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि देयर आर एन कॉइन्स, है ना, देयर आर एन कॉइन्स जो कि किस में काम आते हैं बेटा, क्यूबॉइड बनाने के काम आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक कॉइन का वॉल्यूम लिखूँ, है ना, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉइन का मतलब है कि इसके अंदर कितना सिल्वर है, कितना सिल्वर है। वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, कितना होगा आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है, वन, ये डायमीटर दे रखा है, अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो थिकनेस है ये तुमको टी दे रखा है, वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, हाइट की। बेटा यही तो हाइट हो गया, सिलेंडर हो गया, ये क्या हो गई, हाइट हो गई। अब हाइट 2 mm है तो 2 mm को क्या लिख सकते हो, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक कॉइन का आया। इस तरीके से मेरे पास क्यूबर्ड का मेरे को वॉल्यूम पता है दिस, तो मैंने बोला देर आर एन कॉइन्स, तो वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब एक कॉइन का इतना है तो एन का कितना होगा बेटा, देखो यहाँ से, अब कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस रखना, देखो एन इंटू पाई इंटू 1.75 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इंटू 2/10, है ना, 2/10 लिख दिया मैंने, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो दिस इज 5.5 × 10 × 3.5। अब सबसे पहले एक काम करते हैं कि अपन पॉइंटों को हटाते हैं ताकि तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से देखो n इंटू 22/7, अब जब मैं इसमें से हटाऊँगा तो दिस विल बिकम 175/2, कितना हो गया 200, ये भी कितना हो गया 175/200। भाई देखो 1.75/2 है तो नीचे कितना हो जाएगा, 175/2 × 100, ये हो गया, इंटू क्या कर दो 2/10, इसको भी सॉल्व कर लो, 55/10 × 10 × 35/10, क्लियर है बात, चलो ठीक है बच्चों। अब आगे अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 25 से गया 7 times, ये गया 8 times, ठीक है, ये 7 से 7 कट गया यहाँ पे, ठीक है, ये वापस गया 7 times, ये कट गया 8 times, ठीक है, ये 2 से गया कितनी बार गया बेटा, 5 times, तो इसको लिख दिया मैंने 5, हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 10 से 10 कट गया इधर से, ठीक है, 11 से कट गया ये 2 times, ये कट गया बेटा 5 times, ठीक है। अब ये 5 से काट दो इसको 2 times, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ बेटा n कितना आता है, देखो ध्यान समझ लेना, n इंटू 2 × 7 × 7/8 × 8 × 5 इज इक्वल टू 1/7 से, ये 1/7 से 1/7 कट गया तो यहाँ पर 1 ही 7 आएगा, ठीक है ना। 2 × 7/8 × 8 × 5 × 35/2, तो अब देखो यहाँ से n कितना आ गया, 35 × 8 × 8 × 5/2 × 2 × 7, 7 से कट गया 5 times, ये कट गया 4 times, ये भी कट गया 4 times, तो ये कितना आ गया 25 × 16,
तो ये हो जाएगा 250 प्लस 150, तो कितने कॉइन्स होंगे बेटा ऐसे, 400 कॉइन्स लगेंगे ऐसे। क्लियर है? कैलकुलेशन में ध्यान रखो, सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूँ क्योंकि सभी चीज़ें किसमें बेटा, सेंटीमीटर के अंदर है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसने क्या बोला है कि अ सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंड्रिकल बकेट है पूरा सैंड से फिल कर दिया, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना आएगा, जितना इसका वॉल्यूम है। अब उसको जो तुमने क्या बना दिया, एक हीप बना दी उसकी, है ना, कॉनिकल हीप। ये भी किसकी बनेगी बेटा, सैंड की। अब सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो इसका जो वॉल्यूम होगा सैंड का, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल हो जाएगा। अब तुमको क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज़ 24, और तुमसे क्या क्या पूछा है, आर पूछा है और स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मतलब कितनी हो गई बेटा, एल, ये तुमसे पूछा है। तो यहाँ पर अगर वो बना रहा है बेटा, जो भी मिट्टी है उसके अंदर है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगी, वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, वॉल्यूम ऑफ सैंड ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब हो गया बेटा 9 स्क्वायर इंटू 32। ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप कितना होगा, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर और इंटू एच। मैंने बोला जो कॉनिकल हीप है उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ बेस इज आर, रेडियस ऑफ बेस क्या बोल दिया मैंने, आर, और स्लांट हाइट को क्या बोल दिया मैंने, एच। अब पाई से पाई काटो, ठीक है, आर आपको एच पता है, एच कितना है 24 है, तो इसको लिख लेते हैं अपन, तो ये कितना हो गया बेटा, 9 स्क्वायर इंटू 32 इज इक्वल टू 1/3 आर स्क्वायर इंटू 24, ये कट गया बेटा, 8 बार कट गया ना। तो यहाँ से देखो, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर इंटू 32 अपॉन में कितना हो गया, 8, ये कट गया 4 टाइम्स। तो यहाँ पर जो आर आया मेरे पास वो क्या हो गया बेटा, 9 स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है किसी को बेटा, समझ में आ गया सबको यहाँ तक, क्या करना है अपन को इसके अंदर, इक्वल करनी चीज़ों को, फिर बहुत आराम से आपके पास सारी चीज़ें निकल जाएगी। सॉरी बेटा, यहाँ पर रेडियस ऑफ बेस कितना दे रखा है, 18, कितना दे रखा है, 18। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना, यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, तो अगर 9, यहाँ पे अगर 9 है और इसकी जगह अगर 18 होगा, मैं ही देख रहा था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं बिल्कुल बात करूँ, ठीक है, तो ये कितना दे रखा है मेरे को, 18, ये भी कितना दे रखा है, 18 का स्क्वायर, ये भी कितना दे गया, 18 का स्क्वायर, ये भी हो गया 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 36, यूनिट क्या है इसकी, 36 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया, 36 मिल गया। अब तुमको जो निकालना है वो क्या निकालना है बेटा, स्लांट हाइट, क्या निकालना है, स्लांट हाइट। तो अब तुमको पता है कि कोई भी कोन होता है तो उसकी स्लांट हाइट क्या होती है, ये होता है नाइंगल, ये हो गया एल, ये हो गया एच और ये क्या हो गया, आर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्लांट हाइट, स्लांट हाइट जो होगी वो कितनी होगी बेटा, अब यहाँ पर दोनों का क्या करना है तुमको, स्क्वायर करना है, दोनों क्या करना है यहाँ पर तुमको, स्क्वायर करना है। जो तुमको आर निकली है वो कितनी निकली है, 36, और एच कितना है, 24, एच कितना है, 24। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको करेंगे 12 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर हो गया। तो मुझे बताओ 12 का स्क्वायर तो बाहर आके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और अंदर कितना बच जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो गया 12, ये हो गया 9, ये हो गया 4 प्लस 9, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 अंडर स्कोर रूट 3 सेंटीमीटर इज़ द आंसर।
क्लियर है यहाँ से बात, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना बच्चों। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करें, इसके पहले एक चीज़ समझ लेना बेटा, है ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो सपोज़ करो कि ये तुम्हारे पास एक पाइप है, अब इसमें से पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें से पानी आ रहा है, तो बेटा जिस एरिया से पानी निकलता है उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लो अपन गार्डन में पानी दे रहे हैं और अपने पास जनरली क्या होता है, सर्कुलर पाइप होता है, और अगर मैं बोल दूं कि इस जो पाइप की रेडियस है वो मैंने बोला 2 सेंटीमीटर है, कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला पार्ट कितना है 2, तो अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कौन सा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा, पाई 2 का होल स्क्वायर। अगर सपोज करो कि ये पाइप इस तरीके से होता, मान लो कि थोड़ा सा बड़ा है पाइप है और ये इस तरीके से इसके अंदर से पानी जा रहा है, तो यहाँ पर जिस एरिया से पानी निकलेगा, तो मान लो ये 2 है ये 1 है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिस एरिया से पानी निकलता है, अब जैसे सपोज करो रिवर है ना, रिवर बेटा क्या क्या डायमेंशन होगी उसकी, एक तो एल होगी, एक बी होगी, एक क्या होगी, एच होगी, पर अगर जो पानी निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, B × H से निकलेगा, ठीक है ना। तो रिवर के अंदर भी ये लॉजिक लगेगा, आपको ये फोकस करना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो, क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो। तो अगर मैं रेट ऑफ फ्लो मान लो तुमको मैंने दे दिया कि 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब ये है कि अगर मैं 1 सेकेंड तक इस पर ढक्कन लगा दूँ तो इसकी कितने हाइट तक पानी बढ़ जाएगा, 2 मीटर तक, कितना बढ़ जाएगा, 2 मीटर तक। तो जब भी मेरे को सपोज करो, और मैंने एक से फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज करो तुमने निकाला, वो कितना आ गया, सपोज करो लेट से दिस इज 20 मीटर स्क्वायर। तो अब जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान समझ लेना बेटा इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू रेट ऑफ फ्लो को, इंटू रेट ऑफ फ्लो को, तो बेटा देखो यूनिट क्या बनेगी भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस में, मीटर स्क्वायर में, और ये किस में, मीटर पर सेकंड में, तो ये क्या मिलेगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो गया 20 मीटर स्क्वायर × 2, तो ये कितना हो गया, 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पाइप है ये 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर निकाल रहे हैं बेटा, 40 मीटर क्यूब पानी बाहर निकाल रहा है। तो इसका हमेशा ध्यान रखो, क्रॉस सेक्शन विल वेरी, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है, अगर ये सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर होगा, अगर क्यूबॉइड है तो एक रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है ना, तो अलग अलग शेप का होगा, तो इस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है। तो जब भी मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेट ऑफ फ्लो को मल्टी, तो इस यूनिट का ध्यान रखना हमेशा, है ना, यहाँ पर सेकंड है तो ये सेकंड में आएगा, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर ये सेकंड में है तो वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट इन 1 सेकंड, तो ये मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ 40 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब इस पानी से तुम या तो टंकी भर लो, कुछ भी कर लो, है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, बस ये लॉजिक तुमको समझ में आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को ओपन करने की कोशिश करते हैं। अब बेटा देखो ये कैनाल है ना, अब इसमें क्या है बेटा, पानी पानी है सब जगह, क्या है, पानी पानी। अब यहाँ से देखो कि ये जो पानी है ये इस एरिया से जा रहा है, किस एरिया से जा रहा है, ये वाली जो डायमेंशन है ये कितनी है, 6 मीटर, कितनी है, 6 मीटर, और ये वाली जो हाइट है ये कितनी है, 1.5 मीटर। तुम सपोज करो यहाँ खड़े हो सामने, है ना, अब तुमको क्या लग रहा है कि पानी किस एरिया से आ रहा है, इस वाले एरिया से, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भाई पूरा पानी था, पानी किस एरिया से बाहर आ रहा है ये, तो अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ कैनल थ्रू विच वाटर फ्लोज आउट, है ना, वाटर फ्लोज आउट मतलब किस क्रॉस सेक्शन से ये बाहर आ रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, L × B, मतलब 6 × 1.5, ये रेक्टेंगुलर है ये वाला, यहाँ से पानी आ रहा है तो 6 × 1.5, तो ये कितना हो गया, 9 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये 10 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, और स्पीड
अब देखो बेटा, है ना, स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, स्पीड ऑफ वाटर, जिस स्पीड से ये आ रहा है। अब इसने बोला है हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। अब मान लो इस पानी को ये कहाँ यूज़ कर रहा है, ये इरीगेशन में यूज़ कर रहा है। तो एक चीज़ मैं ये निकाल लूँ बेटा, एक चीज़ समझो, अगर मेरे पास कोई फील्ड है, मैं उसको इरीगेट कर रहा हूँ और मुझे 8 सेंटीमीटर का ये चाहिए, तो हमेशा मेरे पास क्या होगा, एल बी इंटू एच, तो एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होता है, मेरे पास हाइट होती है। तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये जो पानी आएगा, तो सबसे पहले देखो 30 मिनट के अंदर अगर मैं ये निकाल लूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट इन 30 मिनट्स, है ना, और ये जो 30 मिनट्स में जो पानी आया है ये मैं जिस खेत में डाल रहा हूँ, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ए, और हाइट कितनी हो जाएगी, 8। हमेशा ध्यान रखो वॉल्यूम क्या होता है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट या एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो जो भी मैं यहाँ पे करूँगा वॉल्यूम फ्लोन आउट निकाल के मैं क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ इरीगेशन जो भी करना है इंटू मैं क्या कर दूंगा, हाइट, हाइट उसको कितना चाहिए, 8 सेंटीमीटर, है ना, स्टैंडिंग वाटर चाहिए। बेटा एक समझो, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, है ना, उसके अंदर अगर तुम पानी डालोगे तो कितना पानी जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, एल बी इंटू एच। अगर ये सिलेंड्रिकल है, मान लो कि एक सिलेंडर के फॉर्म में, तो एरिया ऑफ कितना, बेस कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, हमेशा वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है। अब आगे अपन अप्रोच करते हैं। अब यहाँ पर देखो तुमको मिनट्स में चाहिए, तो सबसे पहले स्पीड को कन्वर्ट कर लो। देखो ये भी मीटर में, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो, 10 into 1000, 1 आवर में कितने हो गए, 60, ये कट हो गए, ये कितना आ गया, 1000 upon 6 meter per minute, यहाँ से आ गया, ठीक है। अब जो भी हमको एरिया निकालना है वो बेटा अपन को मान लो कि किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है, किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लॉजिक को अप्लाई करते हैं, क्या बोला गया है मेरे को। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वॉल्यूम फ्लो आउट फ्लोज आउट फ्रॉम कैनल इन, क्या बेटा, इन वन मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेट ऑफ वेलोसिटी, इनटू क्या हो गया, रेट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास कितना आया था, 9 इनटू रेट ऑफ वेलोसिटी, तो 9 into 1000 upon 6 meter cube, ये कितने में जाएगा बेटा, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब 30 मिनट्स में कितना जाएगा, है ना, वॉल्यूम फ्लो आउट इन 30 मिनट्स। अब तुमको एक मिनट का पता है, तो 30 मिनट का कितना हो जाएगा, 30 into 9 into 1000 upon 6, तो ये कट गया 5 times, तो ये कितना हो गया बेटा, 45,000 centimeter cube। तो ये जो वॉल्यूम होगा ये किस में जा रहा है बेटा, किसी फील्ड में जा रहा है। तो जो भी होगा, तो वॉल्यूम फ्लोन आउट मतलब 45,000 इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ, बेटा ये पानी एक फील्ड में जा रहा है तो उसका वॉल्यूम फील्ड के बराबर होगा नहीं होगा, ठीक है ना भाई। पहले तो कोई पानी था नहीं ना उसके अंदर, अब तुमने पानी डाला तो उसकी हाइट मिल गई, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा इसको सॉल्व, तो दिस विल बिकम 45,000 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, यही मुझे यहाँ पर निकालना है, एरिया ऑफ बेस इनटू एच। एच कितना दे रखा है मेरे को, 8 सेंटीमीटर, इसको कर दो 8 upon 100, तो एरिया ऑफ बेस जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 45,000 into 100 upon कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब जब तुम इसको कट करोगे, 8 से बिल्कुल कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो कट करोगे तो ये आ जाएगा 562500, तो ये आ जाएगा 562500। सॉल्व कर लेना बेटा इसको, मीटर स्क्वायर, तो ये
30 मिनट्स में इतना एरिया क्या कर देगा, इरीगेट कर देगा। ध्यान रखो बेटा, है ना, बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं, कभी कोई दूसरा लॉजिक का क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे वीडियोज़ में ऑलरेडी डले हुए हैं, इसके बाद जो वीडियोज़ होंगे उसके अंदर भी है सारे। ठीक है, अब आगे देखो कि मुझे ये बोल रहा है कि फार्मर कनेक्ट्स पाइप। अब बेटा देखो, है ना, इसने एक पाइप कनेक्ट किया, अब कहीं से भी कर रहा है, मान लो कि ये एक यहाँ से इसने कनेक्ट किया पाइप से, तो पाइप से पानी यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला, देखो एक चीज़ समझो, ये पाइप में से कहीं से भी ले रहा हो पानी, नदी से या फिर कहीं से भी ले रहा है। इसने क्या बोला, डायमीटर, इंटरनल डायमीटर मतलब रेडियस कितनी दे रखी है तुमको, 10 सेंटीमीटर। इसमें से पानी आ रहा है, ये पाइप इसने मान लो रिवर से कनेक्ट कर रखा है, और ये पाइप जा रहा है नीचे, पानी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, विच इज़ 10 मीटर। अब फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप आउट फ्रॉम अ कैनाल इन टू अ सिलेंड्रिकल टैंक इनर फील्ड विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर। मतलब अब इसने क्या किया, एक तो रेट ऑफ फ्लो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है कि ये जो टैंक है ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, इसका डायमीटर कितना दे रखा है, मतलब रेडियस कितनी दे रखी है मेरे को, 5 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है मेरे को, 2 मीटर, ठीक है। अब मुझे पूछा गया कि बताओ ये इसको कितने टाइम में फिल कर देगा, तो अगेन वही लॉजिक होगा, मैं ये निकालूंगा कि ये एक घंटे में या फिर एक मिनट में या एक सेकेंड में कितना पानी ये निकालता है। अब मैं बोल दूंगा कि मैंने कहा इट विल फिल द टैंक इन टी आर्स, तो टी आर में या टी मिनट्स में कितना निकालेगा, टी इंटू डेट फ्लो इक्वल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, कितना पानी ये भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा। अब सबसे पहले समझो, सबको मैं किस में लिखूंगा, मीटर के अंदर, ठीक है ना, मीटर पर मिनट में अपन वेलोसिटी को कैलकुलेट, वेलोसिटी के स्पीड को भी कन्वर्ट करेंगे ना। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब 10/100 का होल स्क्वायर हो गया ये। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ गया, पाई इंटू 1/100, मतलब कितना आ गया, पाई बाई 100 मीटर स्क्वायर। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद है रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो कितना है बेटा, 3 किलोमीटर। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं मिनट में लेता हूँ इसको, तो 3 × 1000 / में क्या आएगा बेटा, यहाँ से अगर 1 आवर को कन्वर्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 60, इससे कट गया, ठीक है ना, 3 × 1000 / में 60, तो ये कट गया 2 बार, ये कितना आ गया, 50, तो दिस विल कम एज 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ से अपन देखते हैं बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है लॉजिक। अब मैंने बोला वॉल्यूम फ्लो आउट फ्रॉम पाइप इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, तो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेट ऑफ वेलोसिटी, तो ये कितना आ गया, पाई बाई 2 मीटर क्यूब, ये आएगा बेटा, कितना आएगा, पाई बाई 2 मीटर क्यूब, ठीक है ना। फिर पाई बाई 100 × 50 कर दिया, तो ये तुम्हारे पास पाई बाई 2 मीटर क्यूब आ गया। अब मैंने बोला लेट पाइप फिल्स टैंक इन टी मिनट्स, ठीक है, तो टी मिनट्स में जो पानी आएगा ना, वॉल्यूम फ्लो आउट इन टी मिनट्स इज इक्वल टू, पूरा भरना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, ठीक है ना। तो टी मिनट्स में कितना पानी आएगा, टी इंटू पाई बाई 2, एक मिनट में पाई बाई 2 आ रहा है, इसमें हो जाएगा टी इंटू पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 5² × 2, पाई से पाई कट गया, टी इज इक्वल टू 2 × 5² × 2, तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो टी मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 × 4, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 100 मिनट इज द आंसर। तो कितने में भरेगा बेटा, 100 मिनट में ये इसको फिल कर देगा टैंक को। इसी तरीके से अपनी एक्सरसाइज 13.4 भी कंप्लीट हो चुकी है।
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो आई हैव ऑलरेडी देयर इन माय यूट्यूब चैनल, और तुम साइट पे जाके भी इसको देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.4।